बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद खान और आप देख रहे हैं एसएफ टीवी। और आज एक बार फिर मैं मौजूद हूँ सुंदर फाउंडेशन सियालकोट की नर्सिंग डिपार्टमेंट में, और जहाँ से मैं हर रोज़ आपको अपडेट करता हूँ। और आज की स्टोरी के हवाले से हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको लोगों को ये बताएं कि थैलेसीमिया जो है वो एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें मुबतला बच्चे को हर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और ये सिलसिला उनकी पैदाइश से लेकर जब तक ये बच्चे ज़िंदा रहते हैं तब तक जारी रहता है। अब सुंदर फाउंडेशन बेसिकली जो काम कर रहे हैं इन बच्चों को ब्लड लगवाने के हवाले से, जो टेम्प्रेरी जो क्योर है कि इनको ब्लड लगे और हर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद ब्लड लगे और वो जीना शुरू कर दें। लेकिन इसकी सबसे जो मैं समझता हूँ कि स्पेशली जो हम काम कर रहे हैं, हम इसकी प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स को मतलब कि दुनिया में आए ही ना, हम इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं। और इसके लिए हम बाकायदा से अपनी यूथ को गाहे बगाहे हम ये बात बताते रहते हैं, लोगों को ये बताते रहते हैं बातें कि थैलेसीमिया से हम कैसे बच सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि शादी से पहले टेस्ट होने चाहिए। दोनों कपल अगर माइनर थैलेसीमिया के पेशेंट हैं तो फिर वहाँ पर शादी नहीं होनी चाहिए। अगर उनमें से एक को माइनर थैलेसीमिया एक कैरियर हो दूसरा ना हो फिर भी आप शादी कर सकते हैं। तो आज की स्टोरी के हवाले से हम चलते हैं उनकी तरफ और उनसे भी बात करते हैं कि उनकी एक बच्ची को जो है वो थैलेसीमिया है और उन क्या उनको पता था पहले से या नहीं, उसके बारे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी कासिम। कासिम, कासिम बेटी आपकी है? जी बेटी। अच्छा, आपकी कज़न मैरिज है? जी कज़न मैरिज। कज़न मैरिज है। शादी से पहले टेस्टों के हवाले से आपको कुछ गाइड किया गया था, पता था? नहीं पता था। और इस वजह से जो है वो आपने मतलब शादी हुई आप लोगों की और ये बच्ची पैदा हुई। तो अब आपको पता चल गया है कि शादी से पहले जो है वो टेस्ट करवाने कितने ज़रूरी हैं। आपकी बाकी जो फैमिली है उसको आप कन्विंस करते हैं इस हवाले से कि मतलब शादी से पहले टेस्ट करवाएं? करते हैं। और वो आगे से क्या रिस्पांस होता है, वो लोग इस चीज़ के लिए आमादा होते हैं टेस्ट वगैरह करने के लिए? होते हैं। और आप आगे से जो है वो अपनी तमाम फैमिली के टेस्ट वगैरह करवा के शादी? सबको कहते हैं तकरीबन, फैमिली से हट के भी कहते हैं किसी को कि कज़न मैरिड है अगर तो ये टेस्ट जो है ना जरूर करवाएं, लाजमी होना चाहिए, होने चाहिए ताकि इस बीमारी से। जी बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है बाद में, बच्चों ने सरवाइव करना होता है, तो इसलिए जरूरी है कि टेस्ट जरूर होने चाहिए। सही सही। आपकी वाइफ मौजूद है यहाँ पे, हम उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटी आपकी? जी बेटी। अच्छा बताइएगा, जिस तरह अभी कासिम भाई बता रहे हैं कि शादी से पहले इनको टेस्ट के हवाले से नहीं पता था, तो इस हवाले से आपको कुछ पता था कि इस थैलेसीमिया की हिस्ट्री के हवाले से? या जी मुझे पता था कि मैं माइनर हूँ। अच्छा आपको पता था कि आप माइनर हैं? ठीक है, तो फिर आपने इसमें स्टेप नहीं लिया, बताया नहीं कि आगे से? इनको बताया था लेकिन ये इस कॉन्सेप्ट को नहीं थे मानते कि ये कोई हो सकती है। वो तो कह रहे हैं मुझे नहीं पता था, बस वो नहीं उनको इस कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं थे ना। यानी कि शादी से पहले ये टेस्ट के ऊपर हम आधा ही नहीं होते थे। और क्या कहते थे, क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते थे? कहते थे वो इतनी बड़ी बात का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें हो। अच्छा मतलब नाम लेने चाहिए और कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने चाहिए कि कबूतर हमें वो बिल्ली कुछ नहीं कहेगी, इस तरह से कहा? नहीं मेरी इनसे तो बात नहीं हुई थी, इनके बड़े भाई से बात हुई थी। अच्छा अच्छा। उन्होंने मुझे कहा था कि इस तरह की बात आप ना करें क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो। और अभी जब हो गया है तो क्या रिएक्शन है उनका? परेशान है ऑब्वियसली, बहुत ज़्यादा सीरियस थी। ठीक है, और बाकी जो जिस तरह अभी कासिम बता रहे थे कि बाकी अब फैमिलीज़ में आप लोग ये चीज़ ज़रा उनको बता रहे हैं ये बात कि थैलेसीमिया से पहले अगर बचना है तो हमने शादियाँ आउट ऑफ फैमिली करनी है, या अगर फैमिली के अंदर करनी है तो फिर टेस्ट पहले करवाना है, सबके टेस्ट करवाना है। इस हवाले से कोई फीडबैक आ रहा है? अच्छा फीडबैक आ रहा है जी, अच्छा आ रहा है, लोग इस चीज़ को मान रहे हैं? हाँ जी मान रहे हैं। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट आप जब भी अपनी ख़ानदान में शादियाँ करेंगे तो टेस्ट लाजमी करवाएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आज की स्टोरी आपने देखी, दो मतलब कपल में से एक को जो है वो बकायदा से पता था कि मैं माइनर थैलेसीमिया हूँ, और आगे उनको उन्होंने स्पेशली ये अपनी ज़िम्मेदारी समझ के बताया भी। लेकिन हम सम टाइम बहुत सारी चीज़ों को लाइट ले जाते हैं और अल्लाह पे डाल देते हैं कि जी अल्लाह करेगा, जो करेगा वही करेगा, ठीक करेगा। लेकिन अल्लाह सब कुछ अल्लाह करता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं हमें ऑलरेडी हमें अल्लाह ताला ने अकल दी है, हम उसके ऊपर अगर हम प्लानिंग करें तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। इस स्टोरी से मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सबको मैं यही कहूँगा कि शादी से पहले अगर हमने थैलेसीमिया और इस तरह के बच्चे जो थैलेसीमिया के पैदा होते हैं, इतनी
प्यारी सी मासूम सी माशाल्लाह वो बच्ची है कि जिसको देख के लगता ही नहीं है कि वो थैलेसीमिया की पेशेंट है, लेकिन वो अब सारी ज़िंदगी जो है वो इस अज़ाम में गिरफ्तार है कि हर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद उनको ब्लड लगेगा, और जितनी तकलीफ़ उस बच्ची की होगी उससे डबल ट्रिपल तकलीफ उनके वालदैन को होती होगी, डेफिनेटली होती होगी, क्योंकि आप सब भी अगर साहिब औलाद है तो औलाद का दर्द क्या होता है आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज की स्टोरी का इतना ही, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि थैलेसीमिया के ख़िलाफ़ जंग में सुंदर फाउंडेशन का साथ दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे सोशल मीडिया पेजेस फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम यूट्यूब और टिकटॉक पेज हमारे जो है वो ये तमाम अकाउंट्स मौजूद हैं, वहाँ पे हमें फॉलो करें, और इस मैसेज को और सुंदर फाउंडेशन जो जिहाद कर रही है थैलेसीमिया के ख़िलाफ़ इसमें हमारा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच।